shit. नमस्कार, मैं सिद्धार्थ पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल मिस्टर योग गुरु पे। आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताऊंगा जो साइटिका बीमारी में कारगर है। इस आसन का नाम है भारद्वाज आसन। इस आसन को करते वक्त हमें वज्रासन में बैठना है और अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना है और राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ना है। इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें, जितना हो सके उतना शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है, उसके बाद अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखना है और फिर अपने राइट लेग को थोड़ा ऊपर की तरफ रखें, जितना हो सके उतना अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के घुटने की तरफ रखें। फिर अपने राइट हैंड से अपने राइट लेग के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें और अपने हाथ को इस पोजीशन में रखना है और अपने राइट लेग के घुटने के पास और जितना पीछे हो सके उतना मोड़ने की कोशिश करें और अपनी कमर और अपने गर्दन को सीधा रखना है और अपने सांस को नॉर्मल रखना है। धीरे धीरे वापस आएं। इस आसन को करने से आपकी शरीर की सारी हड्डियों में जोर पड़ता है, जिस वजह से सभी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपका गला भी मजबूत होता है, आपकी पाचन क्रिया भी मजबूत होती है, साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। इस आसन को करते वक्त आपको अपने पैरों और आपकी कमर में खिंचाव महसूस होगा, इस वजह से शुरुआती दिनों में जितना पैर दूसरे पैर के क्लोज आ सके उतना ही करने की कोशिश करें। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको यह आसन अच्छा लगा होगा।